साथियों प्रणाम, मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे जनपद सीतापुर से आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 बजे के आसपास हम लोग लोहार बाग पार्क में उपस्थित हुए। अयोध्या में 16 तारीख से होने वाली यज्ञ और दिवंगत शिक्षा मित्रों की आत्मा की शांति के लिए पूर्णाहुति के संदर्भ में हम लोगों के पूर्व से ही एजेंडे क्लियर थे कि माननीय राजूदास महाराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाने वाला ज्ञापन क्या है, वहां की स्थिति क्या है और सीतापुर जनपद उसमें किस तरह से प्रतिभाग कर सकता है और किस तरह से वहां पर सामंजस्य स्थापित कर सकता है, इन सब चीजों पर चर्चा पर चर्चा होनी थी। ये सीतापुर जनपद का सदैव सौभाग्य रहा है कि अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद सीतापुर जनपद का सक्रिय शिक्षा में समाज सदैव शिक्षा मित्र हित में एक मंच पर रहा है, परंतु इस बार दुर्भाग्य रहा कि माननीय जितेंद्र शाही जी के संगठन के द्वारा इस कामन बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया। कारण जो भी रहा हो वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है। इस यज्ञ के कार्यक्रम में हम मीन्स शिक्षा मित्र समाज के सक्रिय हो चर्चा परिचर्चा कर ही रहे थे कि इसी बीच में अनुज नीरज चौहान जी के नेतृत्व में मनीराम राज बड़े भाई मनीराम राजपूत जी सहित लगभग एक आधा दर्जन लोग सक्रिय हरदोई के सक्रिय समाज के लोग सीतापुर पधारे। सीतापुर जनपद ने कुछ बिंदु उनके सामने रखे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राजूदास महाराज जी से सीतापुर जनपद ने कुछ निवेदन किए, वो निवेदन मैं इसमें करना चाहता हूं ताकि वो निवेदन आप तक पहुंचे। इतना जरूर ध्यान रखिए, अगर वो निवेदन माननीय महाराज जी नहीं मानते हैं तब भी सीतापुर जनपद उस यज्ञ में प्रतिभाग करेगा, ये निश्चित है। सीतापुर जनपद यज्ञ में प्रतिभाग करेगा, यथासंभव तन मन धन से प्रतिभाग करेगा। लेकिन कुछ बिंदु जो उस बैठक के दौरान निकले, उन बिंदुओं में जो सबसे पहला बिंदु था वो था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को या उत्तर प्रदेश सरकार को जाने वाला ज्ञापन सीतापुर जनपद के बहुसंख्यक शिक्षा मित्र सक्रिय शिक्षा मित्र जो उस बैठक में उपस्थित थे, जिनकी संख्या आधा सैकड़े से ज्यादा थी, वो उस ज्ञापन से संतुष्ट नहीं दिखे। हमारे जनपद की एसएम फाउंडेशन की टीम, सीतापुर टीम, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की टीम और सक्रिय शिक्षा मित्र सबने एक स्वर में ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने वाले प्रार्थना पत्र को संशोधित करने की बात की। मैं मंच के माध्यम से माननीय राजूदास महाराज जी से निवेदन करूंगा कि जो टीम के द्वारा माननीय राजूदास महाराज जी की टीम के द्वारा ज्ञापन बनाया गया है वो वर्तमान परिदृश्य में न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। हम लोगों के द्वारा बड़े भाई मनीराम राजपूत जी को सीतापुर जनपद के बिंदु नोट करा दिए गए हैं और हमें विश्वास है कि माननीय राजूदास महाराज जी अपने वर्तमान ज्ञापन में संशोधन करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज हम लोगों की विनय है माननीय राजूदास महाराज जी से कि वह यज्ञ के कम से कम एक सप्ताह पहले, चाहे वो अपने जिलाध्यक्षों जी के साथ कामन बैठे, यदि उन्हें आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश के सक्रिय शिक्षा मित्रों को भी उस बैठक में इनवाइट कर लें, क्योंकि छुट्टियों का दौर यज्ञ के मध्य चालू होगा, तो यदि संभव हो तो आने वाले रविवार को ही वो एक अपने जिलाध्यक्षों और प्रदेश के सक्रिय शिक्षा मित्रों की एक कामन बैठक महाबली के दरबार में आहूत कर लें और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने वाला ज्ञापन तैयार हो जाए, क्योंकि
शिक्षा मित्र कभी संघर्ष में पीछे नहीं हटा। हमें दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, हारे हैं छल छंदों से। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी मांग इस श्रेणी की हो कि उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली को हमारी मांगों को पूर्ण करने में भी दिक्कत हो और हम फिर भाग के तीन पात पा करके रह जाएं, क्योंकि अयोध्या का यज्ञ शिक्षा मित्र भविष्य को सत्यापित करने के साथ साथ सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा और भगवान राम के आशीर्वाद को भी परिलक्षित करेगा। ईश्वर न करे अगर हम 1% भी असफल हुए तो हमारी सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अतः हम और हमारे जनपद के सक्रिय साथियों का यह मानना है कि माननीय राजदास महाराज जी यज्ञ के पूर्व आने वाले रविवार को अपने संपूर्ण जिलाध्यक्षों की और प्रदेश के सक्रिय शिक्षा मित्रों की एक कॉमन बैठक आहूत कराएं और वहां पर एक न्यायसंगत तर्कसंगत मांग पत्र सम्मिलित बने और वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक महाराज जी के करकमलों द्वारा पहुंचाया जाए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि महाबली के दरबार से शिक्षा मित्र निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, उसका कल्याण होगा। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सेक्टर अध्यक्ष, चिंता और चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आप जिस कार्य के लिए लगे हैं वो कार्य जरूर सफल होगा। रहे विलंब भले हो सकता है, लेकिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, आपके कार्य होने को है, संपन्न होने को है, आप सभी का कार्य जल्दी शीघ्र होने को है। इसके नाते तमाम विघ्न बाधा उत्पन्न लोग करते रहेंगे। वही लोग हैं जिनको राजनीतिक रोटियां सेकना है, वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके कार्य सफल ना हो। उनके मन में एक टीस है, उनके मन में एक द्वेष है, उनके मन में एक भय है कि हमारी नेतागिरी चौपट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नेतागिरी तो चौपट हो ही गई है, अब उनका दुकान भी बंद हो रहा है, तो ये डर है। इसके नाते एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग हर गांव जाके, हर शिक्षा मित्र परिवार से मिलकर, हर शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपील करके, हर व्यक्ति से संपर्क करके उनको आश्वासन दें, उनको समझाएं कि आपके कार्य जरूर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही ये कार्य हो गए। वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो खूनों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग कभी कतई नहीं चाहेंगे कि आपके कार्य हों। जिस प्रकार से सरकार के सामने में शिक्षा मित्रों का इमेज है कि ये समाजवादी के लोग हैं, इसके नाते इतना विलंब हो रहा है, और हम इन लोगों को राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत करने के लिए जो लगातार प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें विघ्न बाधा ये जरूर उत्पन्न करेंगे। इसके नाते चिंता और चिंतन करने की जरूरत नहीं है। भाई रविंद्र सिंह जी, भाई सत्यम जी और पूरे टीम, सभी को साधुवाद है, सभी को धन्यवाद है। सभी के अथक प्रयास से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्य सफल होगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।